हेलो स्टूडेंट्स, मिस्टर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस में अपन पढ़ रहे हैं MOD, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y = sec x + tan x - 1 upon tan x - sec x + 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx when x = π/4। तो इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। ये sec प्लस टेन था, हमने क्या किया, ये जो 1 था इसको हमने लिख दिया sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, अपॉन में है 10 माइनस sec प्लस 1। अब यहां से sec प्लस 10 और यहां से sec प्लस 10 कॉमन आ गया, तो sec प्लस 10 अगर कॉमन आया तो यहां तो बचेगा 1 और यहां बचेगा sec माइनस 10, तो माइनस ऑफ sec प्लस 10 और अपॉन में है 10 माइनस sec प्लस 1। ये वैल्यू y की है, तो ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, sec x प्लस 10 x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, अब ज्यादा आसान हो गया। अगर हम dy/dx की वैल्यू देखते हैं तो sec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec x into tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। अब अगर हम dy/dx रख दें एट x = π/4, तो sec π/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट टू, टेन पाई बाय फोर 1 और ये हो गया 2, तो आंसर आ जाएगा 2 + √2। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर y = है tan इनवर्स x माइनस cot इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अगर हम देखें tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x तो पाई बाई 2 होता है, तो ये 2 अपॉन पाई आ गया, और ये हमारे पास है tan इनवर्स x माइनस है cot इनवर्स x। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2 अपॉन पाई तो बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और cot इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई इंटू 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई इंटू 1 प्लस x स्क्वायर, ये dy/dx आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ x = 1 पुट कर देंगे तो क्या जाएगा, 4 अपॉन 2 पाई, मतलब 2 अपॉन पाई, ये आंसर आ जाएगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। y की वैल्यू है x³ + x² + x / 1 + x². हमने x³ और x साथ में ले लिया, तो ये हो गया x³ + x और प्लस हो गया x², इसके अपॉन भी 1 + x² कर दिया और इसके अपॉन भी 1 + x² कर दिया। यहां से अगर x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1 अपॉन हो जाएगा 1 + x², और ये x² है, यहां हमने प्लस 1 किया और माइनस 1 किया, और दोनों के अपॉन हमने 1 + x² 1 + x² कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये x हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये 1 हो गया, और ये -1 upon 1 + x² हो गया, ये y आ गया। अब अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1, 1 का क्या हो जाएगा 0, और 1 upon 1 + x² का क्या हो जाएगा, -1 upon 1 + x² का होल स्क्वायर, और x² का 2x, 1 का 0, तो आंसर आ जाएगा 1 - सही है ना, 1 हो जाएगा प्लस 2x upon 1 + x² का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये अपने पास जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज अपन एक नया रूल स्टार्ट कर रहे हैं और वो रूल हमारे पास है चेन रूल। चेन रूल क्या होता है समझिए भाई। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है, हमारे पास बोला गया है y = f(x) है, तो अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालते थे तो dy/dx की वैल्यू तो f(x) आती थी, लेकिन अगर हमारे पास y = f(x) की जगह कोई कंपोजिट फंक्शन है, बोला गया है अगर y = f(g)x है और बोला है अब dy/dx निकालिए, तो अगर हम dy/dx निकालते हैं तो कैसे करेंगे अपन, इस चीज को फिर अपन कैसे सॉल्व करेंगे वो अपन को सीखना है। तो इसको करने के लिए अपन ऐसा करते हैं कि यहाँ gx जो होता है इसकी जगह अपन u पुट कर देते हैं, gx = u। जैसे अपन gx = u पुट कर देंगे तो ये फंक्शन ऑफ u हो जाएगा। अब अगर हम dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा d/dx(f(u). अब हमने रूल पढ़ा था कि भाई अगर ये फंक्शन ऑफ u है तो ये u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, लेकिन ये फंक्शन ऑफ u x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसको हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए du से मल्टीप्लाइड कर देंगे, du से डिवाइड कर देंगे और इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। जैसे अपन इंटरचेंज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा d/du(fu)
और इनटू आ जाएगा हमारे पास डी यू बाई डी एक्स, डी अपॉन डी यू ऑफ एफ यू क्या जाएगा एवरेज यू, और ये हमारे पास आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स। अपन यू की वैल्यू वापस पुट कर देंगे क्या जी एक्स, तो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एवरेज ऑफ जी एक्स इंटू हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ एवरेज ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। इस तरीके से ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होगा। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए इसको, ये हमने पढ़ा चेन रूल। इस चेन रूल को हम पहले समझ लेते हैं कि क्या कहता है, और ये जिस मेथड से हमने चेन रूल प्रूव किया है, आप बोर्ड में एनसीईआरटी में जब आप सीबीएसई में क्वेश्चन आएगा तो आपको सेम इसी मेथड से करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले अपन जो है चेन रूल समझ लेते हैं क्या है, फिर अपन उसका जो है बोर्ड वाला तरीका से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपने आईटी वाले तरीके से भी। देखिए, अगर हमारे पास फंडा ये है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अगर अपन निकालते हैं तो ये क्या आता है एवरेज एक्स। अगर मान लो यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स नहीं है, एफ ऑफ मसाला है, तो इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ मसाला इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला हो जाता है। मतलब अगर हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ यहाँ पे मान लीजिए जी एक्स है, मसाले की वैल्यू क्या हो गई जी एक्स, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स हो गया था, तो एफ ऑफ मसाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ मसाला था, तो एफ ऑफ जी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ जी एक्स हो जाएगा इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, तो इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ जी एक्स। तो ये हमारे पास इससे एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू आ जाएगा जी डैश एक्स, कुछ इस तरीके से होगा। तो ये कंसेप्ट हमें समझना है कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स होता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ मसाला एफ डैश मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला होता है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, जैसे मान लीजिए हमारे पास है, बोला है वाई की वैल्यू साइन ऑफ ई की पावर एक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो अपन को पता है अगर साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता कॉस एक्स। अब यहाँ पे साइन मसाला है, मसाले की वैल्यू ई की पावर एक्स है, तो साइन मसाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस मसाला इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला। तो कॉस मसाला मतलब कॉस ऑफ ई की पावर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स। ये आंसर आ गया, नोट कीजिए। क्वेश्चन करते हैं, अगर हमारे पास होता क्वेश्चन नंबर टू ले लें, वाई की वैल्यू होती ई का पावर साइन एक्स, अब आप क्या करते। तो भाई हमें तो वाई की ई की पावर एक्स अगर होता तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है, तो अगर ई की पावर मसाला है तो ई की पावर मसाला का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ई का पावर मसाला इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला। मसाले की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा e का पावर साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। हर जगह आपको ये कंसेप्ट लगाना है। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हो जाए y इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स, लॉग बेस e है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें तो लॉग x का डिफरेंशिएशन वन अपॉन x होता है, तो ये लॉग मसाला है, तो लॉग मसाला का डिफरेंशिएशन क्या होगा वन अपॉन मसाला इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा वन अपॉन साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कॉट एक्स। तो दिस इज चेन रूल, नोट कीजिए यहां तक। अगला क्वेश्चन करें अपन, कुछ आसान से क्वेश्चन करते हैं पहले। अगर वाई इक्वल टू हमारे पास आ जाए कॉस ऑफ टेन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए। अगर हमारे पास वाई इक्वल टू आ जाए टेन ऑफ वन अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करिए। अगर हमारे पास वाई इक्वल टू आ जाए साइन ऑफ थ्री एक्स, अगर हमारे पास y इक्वल टू आ जाए ई का पावर ऑफ फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, अगर हमारे पास y की वैल्यू आ जाए लॉग बेस e और नंबर की जगह हमने लिख दिया फाइव एक्स स्क्वायर प्लस नाइन साइन एक्स प्लस e की पावर x, तो इन पांच फंक्शंस का जो है आपको डिफरेंशिएशन करना है यूजिंग द चेन रूल। करिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं करवाता हूं। वन करते हैं क्वेश्चन नंबर वन, बड़े प्यार से करिए इनको ताकि आप चेन रूल समझ सके। अगर y इक्वल टू हमारे पास होता cos ऑफ tan x, तो हम इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे cos x होता, अगर y इक्वल टू cos x होता तो dy बाई डी एक्स की जब आप वैल्यू निकालते तो हमारे पास क्या जाता माइनस ऑफ sin x। अब अगर यहाँ पे y इक्वल टू x की जगह मसाला है
वाई इक्वल टू कॉस मसाला होता तो डी वाई बाई डी एक्स होता माइनस ऑफ साइन मसाला इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला। अब मसाले के अंदर टेन एक्स है तो आपने मसाले के अंदर टेन एक्स रख दिया, तो कॉस ऑफ टेन एक्स का माइनस साइन ऑफ टेन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ टेन एक्स और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर वन के बाद क्वेश्चन नंबर टू करते हैं। अगर हमारे पास है y इक्वल टू टेन ऑफ वन अपॉन एक्स तो आप क्या करेंगे? तो हमने कहा अगर हमारे पास y की वैल्यू टेन एक्स होती तो हम dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते तो sec square x बड़े इज्जत से आ जाता, लेकिन यहां पे tan x नहीं है, यहां पे tan मसाला है, तो tan मसाला का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? sec square मसाला इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला। अब यहां पे tan वन अपॉन एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? sec square वन अपॉन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा sec square वन अपॉन एक्स, और वन अपॉन एक्स का क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू sec square वन अपॉन एक्स। This is the answer of this question. Question number अपन आते हैं third. अब question number third हमारे पास है y equal to sine of 3x. dy by dx अपन को निकालना है। तो अगर हमारे पास sine x होता तो sine x का differentiation cos x होता, sine मसाला का differentiation cos मसाला into d upon dx of मसाला, तो sine 3x का differentiation cos 3x into d upon dx of 3x. 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा तो ये 3 इंटू कॉस ऑफ 3x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगर y इक्वल टू है e का पावर 5x स्क्वायर प्लस 9, भाई साहब अगर y इक्वल टू e का पावर x होता तो डिफरेंशिएशन e का पावर x ही आता, अगर y इक्वल टू e का पावर मसाला है तो डिफरेंशिएशन e का पावर मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, और अगर y की वैल्यू e का पावर 5x स्क्वायर प्लस 9 है तो e का पावर 5x स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 9, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना जाएगा? 5 इंटू 2x तो 10x, और 9 का डिफरेंशिएशन 0 इंटू e का पावर 5x स्क्वायर प्लस 9, तो आंसर जाएगा हमारे पास 10x इंटू e का पावर ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 9। इस तरीके से हो जाएगा, नोट कीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो y है इसकी वैल्यू है लॉग बेस e, और ये है 5x स्क्वायर प्लस 9 ऑफ साइन x प्लस e का पावर x। अब अगर लॉग मसाला होता, लॉग x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो लॉग मसाला का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो 5 जो का तो x स्क्वायर का 2x, तो ये हो गया 10x, 9 जो का तो साइन x का cos x, तो 9 cos x, और प्लस e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। दिस इज द फाइनल आंसर। इस तरीके से हमारे पास चेन रूल का यूज करें क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, नोट कीजिए। कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 6, y इक्वल टू साइन क्यूब ऑफ अंडर रूट x, तो बेसिकली हमारे पास है साइन ऑफ अंडर रूट x का होल क्यूब, तो ये मसाला का होल क्यूब। अब अगर x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता तो क्या आता? 3x स्क्वायर, तो मसाला क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा? 3 मसाला स्क्वायर, तो 3 साइन अंडर रूट एक्स का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला, तो साइन ऑफ अंडर रूट एक्स। यहां तक हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये साइन मसाला लिखा हुआ है, तो साइन मसाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, तो ये कॉस अंडर रूट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो यहां पे हमारे पास 3 इंटू साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और ये जाएगा हमारे पास 3 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, नोट कीजिए यहां तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, इतनी खतरनाक चीजें लिखी, तीन चार चीजें अपन भावनाएं समझें। ये एल एन टेन स्क्वायर एक्स का पावर 4 का होल क्यूब है, मतलब ये मसाले का होल क्यूब है, मसाले का होल क्यूब है, तो डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू आएगी, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो मसाले क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3 इंटू मसाले का स्क्वायर, मसाला मतलब एल एन ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ एक्स का पावर 4,
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ टेन स्क्वायर ऑफ एक्स का पावर फोर। अभी अपने पास है एल एन समथिंग, तो ये है एल एन मसाला। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स, तो एल एन मसाला का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन मसाला, तो वन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स का पावर फोर। इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का पावर फोर। ये वाली टर्म यहां भी आ जाएगी, थ्री इंटू एल एन टेन स्क्वायर एक्स का पावर फोर का होल स्क्वायर। अब यहां आए तो ये लिखा है डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स का पावर फोर का होल स्क्वायर। तो अगर ये मसाले का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स आता है, तो मसाले स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू ऑफ मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला। तो ये हमारे पास आ गया था थ्री एल एन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का पावर फोर का होल स्क्वायर अपॉन ये आ गया हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स का पावर फोर। और ये मसाला स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा, टू इंटू मसाला, तो टू इंटू टेन ऑफ एक्स का पावर फोर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन ऑफ एक्स का पावर फोर। अब यहाँ पे अपन ने देखा ये टेन स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास थ्री इंटू टू हो जाएगा सिक्स इंटू एल एन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स का पावर फोर का स्क्वायर अपॉन टेन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे है टेन मसाला, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन मसाला का डिफरेंशिएशन होगा सेक स्क्वायर मसाला, और इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स का पावर फोर क्या हो जाएगा, फोर एक्स क्यूब। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सेवन। भाई हमारे पास है अगला क्वेश्चन वाई इक्वल टू ई का पावर अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव। शुरुआत करेंगे अपन यहां से ई का पावर मसाला से, तो ई का पावर मसाला जो होता है इसका ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई का पावर एक्स, तो ई का पावर मसाले का डिफरेंशिएशन ई का पावर मसाला, तो ई का पावर अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला। तो मसाला क्या है, अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव। अभी हमारे पास है अंडर रूट ऑफ मसाला, तो अंडर रूट मसाला का डिफरेंस, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पे ये अंडर रूट ऑफ मसाला है तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा वन अपॉन टू इंटू अंडर रूट ऑफ मसाला, तो ये टू इंटू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव। अब यहाँ पे ये मसाला हो जाएगा, तो ये लिखा है साइन मसाला, तो साइन मसाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस मसाला, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव ये आ जाएगा हमारे पास। ये सब चीजें, ये वाली चीजें आती रहेंगी यहाँ पे साथ साथ, तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई इक्वल टू ई का पावर अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव अपॉन में जाएगा ये टू इंटू अंडर रूट ऑफ साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव इंटू ये हो जाएगा कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव। अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव है तो फाइव तो बाहर आ जाएगा, फाइव बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास जो है फाइव बाहर आ जाएगा तो एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बचेगा, तो ये हमारे पास एल एन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन बचेगा, तो इसका वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ जाएगा टू एक्स। इस तरीके से ये फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा, नोट कीजिए यहां तक। इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सस्ते में भी निपटा सकते थे, कैसे देखो जरा भाई, अपन अब थोड़े से समझदार हो जाए डिफरेंशिएशन को लेकर तो क्वेश्चन इजिली सॉल्व हो जाएगा। बस आपको मसाला पहचानना है, सबसे पहले ई का पावर मसाला ये आइटम था, तो ई का पावर मसाला का डिफरेंशिएशन ई का पावर मसाला होता है, तो ये अपन ने साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव। फिर हमारे पास ये अंडर रूट ऑफ मसाला था, तो अंडर रूट ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन अंडर रूट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स होता है, तो वन अपॉन टू साइन ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव आ गया। फिर ये साइन मसाला है, साइन मसाला का डिफरेंशिएशन कॉस मसाला होता है, तो कॉस ऑफ एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव आ जाता।
फिर हमारे पास साइन निपट गया, साइन का कॉस आ गया, अभी एलएन मसाला है, तो एलएन मसाला का डिफरेंशिएशन वन अपॉन मसाला होता है, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन का पावर फाइव आ गया। फिर हमारे पास ये एक्स का पावर मसाला का पावर फाइव है, तो ये फाइव इंटू मसाला का पावर फोर आ गया, फिर ये मसाला एक्स स्क्वायर प्लस सेवन है, तो इसका डिफरेंशिएशन टू एक्स आ गया, तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरीके से अपन एक स्टेप में करके भी चीजों को आसानी से कर सकते हैं। इक्वल टू हमारे पास एल एन सेक एक्स क्वेश्चन नंबर नाइन, डिफरेंशिएशन करें डायरेक्ट मेथड से करें, है ना। तो एल एन मसाला का डिफरेंशिएशन बना अपॉन मसाला इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, टेन एक्स हो गया। नंबर टेन देखिए, बोला गया है वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉस क्यू टेन इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर। तो बेसिकली वाई की वैल्यू हमारे पास है ई का पावर कॉस क्यू टेन इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर, हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सबसे पहले हमारी नजर गई है ई का पावर मसाला पे, तो ई का पावर मसाले का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा हमारे पास, ई का पावर मसाला, तो हो जाएगा कॉस क्यू टेन इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर। अभी जो कॉस क्यूब है तो बेसिकली ये मसाले का क्यूब है, तो मसाला क्यूब है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, थ्री इंटू मसाला स्क्वायर, तो थ्री इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ मसाला। अब ये मसाला है तो बेसिकली ये हमारे पास जो है ये कॉस ऑफ मसाला है, सही है ना भाई, कॉस क्यूब का हमारे पास थ्री कॉस स्क्वायर, मसाला क्यूब का थ्री मसाला स्क्वायर। अब हमारे पास ये कॉस मसाला है तो कॉस मसाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन मसाला, तो माइनस ऑफ साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब। अब हमारे पास इसका मसाला हो गया टेन इनवर्स एक्स क्यूब, तो टेन इनवर्स एक्स क्यूब का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स का पावर सिक्स, फिर आ गया एक्स क्यूब, तो इसका थ्री एक्स स्क्वायर। ये अपन ने इसे डायरेक्ट मेथड से कर दिया, और अगर डायरेक्ट मेथड से आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्टार्टिंग में भाई हमारे पास ये ई का पावर मसाला था, तो ई का पावर मसाला का डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो ई का पावर मसाले का डिफरेंशिएशन होगा ई का पावर मसाला, मसाला मतलब जोंका तो रख दो, कॉस क्यूब टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, ये आ गया इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला, सही है। तो मसाला हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब टेन इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है तो इसको अपन ने लिख दिया कॉस ऑफ समथिंग का होल क्यूब, तो ये मसाले का क्यूब हो गया। तो ये हमारे पास आइटम जो का तो रहेगा, इसको मैं आइटम नंबर वन लिख देता हूँ, है ना, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, आइटम नंबर वन आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मसाले का क्यूब क्या हो जाएगा, थ्री मसाला स्क्वायर, तो थ्री इंटू कॉस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला। मसाला क्या हो जाएगा, ये जो ब्रैकेट के अंदर था कॉस ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर। ये पूरा आइटम जो है मैं नंबर टू लिख देता हूँ, तो नंबर वन और नंबर टू आ गया भाई साहब, है ना। अब ये है कॉस मसाला, तो कॉस मसाले का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन मसाला, तो माइनस ऑफ साइन टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यू इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला। मसाला क्या है, टेन इनवर्स एक्स क्यू। ये पूरा आइटम मैं नंबर थ्री रख देता हूँ, तो हमारे पास अब नंबर वन आ गया इंटू नंबर टू आ गया इंटू नंबर थ्री आ गया। अब यहाँ पे है टेन इनवर्स मसाला, तो टेन इनवर्स मसाले का डिफरेंशिएशन वन अपॉन वन प्लस मसाले का स्क्वायर, तो एक्स क्यू का स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ मसाला, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स क्यू। तो ये नंबर वन इंटू नंबर टू इंटू नंबर थ्री इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स की पावर सिक्स इंटू थ्री एक्स स्क्वायर, ये आंसर आएगा। अब नंबर वन की जगह ये पूरा आइटम रख दो, नंबर टू की जगह ये पूरा आइटम रख दो, नंबर थ्री की जगह ये पूरा आइटम रख दो, तो अपना आंसर आ गया। और इसी चीज को जब हम डायरेक्ट करते हैं तो हम कहेंगे भाई ई का पावर मसाला का आ गया कॉस मसाला, अब कॉस क्यूब का बचा, तो ये मसाला क्यूब हो गया, तो इसका थ्री मसाला स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास कॉस मसाला बचा, इसका माइनस साइन मसाला हो गया। अब टेन इनवर्स एक्स क्यूब बचा, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर हो गया, फिर एक्स क्यूब बचा, इसका थ्री एक्स स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा आप डिफरेंशिएशन को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये चीज सीख जाएंगे। नोट की यहाँ पे अपन एक चीज भूल गए भाई, ये हमारे पास क्या था, कॉस मसाला, तो इसमें ये टेन इनवर्स एक्स का होल क्यूब था, होल इसका होल स्क्वायर था, ठीक है।
तो ये कॉस मसाला का जो डिफरेंशिएशन होगा वो माइनस साइन मसाला, तो इसका जो मसाला होगा वो टेन इनवर्स होल क्यू का होल स्क्वायर होगा। जब होल स्क्वायर होगा तो इसका डिफरेंशिएशन फिर अपन करेंगे, तो ये नंबर वन आएगा, नंबर टू आएगा, नंबर थ्री आएगा, और इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास टू इंटू टेन इनवर्स एक्स क्यूब इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स क्यूब, तो ये नंबर फोर हो जाएगा। तो नंबर वन टू थ्री फोर, फिर इसका टेन इनवर्स एक्स क्यू का वन अपॉन वन प्लस एक्स क्यू का होल स्क्वायर और एक्स क्यू का थ्री एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से ही हमारे पास आंसर आएगा। नोट कर लीजिए भाई इसको। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 11। अगर हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स का अंडर रूट होगा तो क्या होगा? तो भाई हम dy बाई dx निकालेंगे, तो अंडर रूट ऑफ x का वन अपॉन टू अंडर रूट x, तो टू अंडर रूट एफ एक्स और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ वन अपॉन एक्स होगा तो क्या होगा? तो dy बाई dx एफ ऑफ मसाला का डिफरेंशिएशन क्या होता है? एफ डैश ऑफ मसाला, और वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नोट कीजिए भाई। तो हाँ भाई बच्चों, कैसी लगी आज की क्लास? मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे अपन। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।